Hey, welcome guys to section 2 part 1 of this Blender 2.9 complete beginners course। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कस्टम मॉडलिंग। हमारा ये जो डिफॉल्ट क्यूब है इसके हेल्प से हम बनाने वाले हैं एक चेयर। तो पहले मैं आपको इस क्यूब के हेल्प से कुछ बेसिक चीजें बता दूं। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एडिट करना चाहते हैं और एडिट करके उसका शेप चेंज करना चाहते हैं तो हमें एडिट मोड में जाना होता है। ब्लेंडर में काम करने के लिए आपको अलग अलग मोड्स अवेलेबल हैं। ये मोड्स कहाँ पर हैं? टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जाइए, ये जो ऑब्जेक्ट मोड लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे जो मोड्स ब्लेंडर में अवेलेबल हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट मोड, एडिट मोड, स्कल्प्ट मोड, वर्टेक्स पेंट मोड एंड सो ऑन। हम ज़्यादातर ऑब्जेक्ट मोड और एडिट मोड में ही काम करेंगे फ़िलहाल, तो मैं एडिट मोड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और हम आ जाते हैं एडिट मोड में। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा क्यूब थोड़ा अलग सा दिखने लगा है। यहाँ हमको कॉर्नर्स में कुछ डॉट्स यानी पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, इन्हें बोलते हैं वर्टेक्स और ढेर सारे वर्टेक्स को एक साथ बोलते हैं वर्टिसेस। यहाँ जो साइड में कॉर्नर में ये लाइंस नज़र आ रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं एज। ओके, और ये जो सरफेस नज़र आ रहे हैं आपको इन्हें हम बोलते हैं फेस। तो ब्लेंडर में इन सभी अलग अलग पार्ट्स को सेलेक्ट करने के लिए अलग अलग टूल आपको अवेलेबल हैं। अगर आप सिर्फ अपने वर्टेक्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में जा सकते हैं। यहाँ टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आइए, ये तीन क्यूब जो नज़र आ रहे हैं ये तीनों क्यूब सिलेक्शन मोड के लिए हैं। पहला क्यूब है वर्टेक्स सेलेक्ट मोड के लिए। तो जब आप इस मोड में रहते हैं आप देख सकते हैं आपके शेप में जितने भी वर्टेक्स हैं वो सभी विजिबल हो जाएंगे और आप उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड सेलेक्शन मोड है एज सेलेक्शन मोड। अगर आप इस मोड में रहते हैं तो आप अपने ऑब्जेक्ट में जितने भी एजेस हैं उन्हें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और थर्ड फेस सेलेक्ट मोड, और इस नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इस मोड में आप अपने ऑब्जेक्ट के फेसेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल हम आ जाते हैं वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में। इन मोड्स को चेंज करने का एक शॉर्टकट की भी है और वर्टेक्स सेलेक्शन मोड का शॉर्टकट की है 1। अपने कीबोर्ड में प्रेस करिए 1 तो आप आ जाएंगे वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में। अगर आप 2 प्रेस करते हैं तो आप आ जाएंगे एज सेलेक्ट मोड में, और अगर आप 3 प्रेस करते हैं तो आप आ जाएंगे फेस सेलेक्ट मोड में। ओके, तो मैं फ़िलहाल प्रेस कर लेता हूँ 1 अपने कीबोर्ड में ताकि मैं आ जाऊँ वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में। अब मैं सारे के सारे वर्टेक्स को एक साथ सेलेक्ट करना चाहता हूँ। इसके लिए शॉर्टकट की है ए। अपने कीबोर्ड में प्रेस करिए ए टू सेलेक्ट ऑल, और आप देख सकते हैं सारे के सारे वर्टेक्स सेलेक्ट हो चुके हैं। अब मैं इस क्यूब को स्केल डाउन करना चाहता हूं, तो मैं अपने कीबोर्ड में स्केलिंग टूल का शॉर्टकट की यूज़ करूंगा और वो है S, और उसके बाद हम इसे करेंगे स्केल डाउन। अभी आप देख सकते हैं कि इस क्यूब का ओवरऑल साइज़ घट या बढ़ रहा है, पर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इसका हाइट कम हो ताकि हम इसे पतला बना सकें, क्योंकि हम एक चेयर मॉडल करने जा रहे हैं जिसमें बैठने वाले पोर्शन का प्लैंक जो है वो ये क्यूब होगा। तो इसके थिकनेस को घटाने बढ़ाने के लिए हमें इसे स्केल डाउन करना पड़ेगा Z एक्सिस में। तो हम अपने कीबोर्ड में प्रेस कर लेते हैं Z, और आप देख सकते हैं कि अब हमारा क्यूब जो है केवल Z एक्सिस के अलॉन्ग स्केल अप या डाउन हो रहा है। तो हम इसे कर लेते हैं थोड़ा सा पतला, ओके, चेयर के बेस जितना अंदाज से। अब हम इस चेयर के बेस में 4 लेग्स बनाना चाहते हैं, तो हमें इस नीचे वाले फेस को सब डिवाइड करना होगा। उसके लिए हमें नीचे वाले फेस को सेलेक्ट करना होगा। तो हम आ जाते हैं फेस सिलेक्शन मोड में। मैं अपने कीबोर्ड में प्रेस कर रहा हूँ 3 और इससे मैं आ जाता हूँ फेस सिलेक्शन मोड में। अभी आप देख सकते हैं यहाँ टॉप में ये सिलेक्शन मोड ऑप्शंस में 3rd वाला क्यूब अभी एक्टिव है। तो अब इस मोड में हम नीचे वाले फेस के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो हमारा नीचे वाला फेस सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं इसे सब डिवाइड करूँगा, तो मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ इस मेन्यू में सब डिवाइड पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारा सरफेस जो है अब 4 पार्ट में डिवाइड हो गया है, पर हमें इसे ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो नंबर ऑफ कट्स को इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ नीचे आ जाइए बिना कहीं इधर उधर क्लिक किए। नीचे यहाँ आप देखिए यहाँ सब डिवाइड से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ इस सेक्शन में है, इस बटन पर क्लिक करिए। तो ये जो मेन्यू अपीयर होता है यहाँ हमारे सब डिवीज़न से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ नज़र आएंगे आपको। तो नंबर ऑफ कट्स को यहाँ इसे मैं बढ़ा देता हूँ थोड़ा, ठीक है, इतना कि हमें चेयर के लेग का साइज़ हमें मिल जाए कॉर्नर में। अब हम क्या करेंगे कि कॉर्नर में ये जो फेसेस हैं इन चारों फेसेस को हम सेलेक्ट कर लेंगे, ओके, और सभी फेसेस को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए अभी अगर आप किसी भी फेस पे क्लिक करें तो वो फेस सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन हमें चारों कॉर्नर के फेस को एक साथ सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड में प्रेस करके रखिए शिफ्ट और उसे होल्ड करके रखिए। अब आप जितने भी फेस पर क्लिक करेंगे वो सभी सेलेक्ट होते जाएंगे। तो मैं चारों कॉर्नर के फेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं ठीक से अभी। अब हम इसे एक्सट्रूड करेंगे, मतलब इसे बढ़ाएंगे। मैं करके दिखाता हूँ एक्सट्रूजन क्या होता है। तो पहले मैं आ जाता हूँ फ्रंट व्यू में। ओके, तो मैं अपने कीबोर्ड में नम पैड में जो 1 है उसे मैं प्रेस करता हूँ, जिससे हम आ जाएंगे फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में। मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आप ठीक से देख पाएँ, और उसके बाद हम इसे एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड करने के लिए आप यहाँ लेफ़्ट साइड में इस एक्सट्रूड रीजन बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने कीबोर्ड में आप प्रेस करिए ई, और उसके बाद अपने कर्सर को हिलाइए। जब आप नीचे की ओर अपने कर्सर को लेकर के आएंगे, आप देख सकते हैं कि हमारा वो जो फेस जिसे हमने सेलेक्ट किया था वो नीचे की ओर बढ़ रहा है, यानी एक्सट्रूड हो रहा है। तो हम इसे लगभग उतना एक्सट्रूड करेंगे जितना एक चेयर का लेग होता है, और उसके बाद मैं क्लिक कर देता हूँ। अब हमारा ये लेग फॉर्म हो चुका है। अगर आप पर्सपेक्टिव व्यू में देखना चाहें तो आप मिडिल माउस बटन को क्लिक करिए, और उसके बाद ऐसे आप इसे ड्रैग करिए, तो आप अपने चेयर को पर्सपेक्टिव व्यू में देख पाएंगे। अब इन सभी फेसेस को जिन्हें हमने सब डिवाइड किया था, इनका हमें ज़रूरत है नहीं, तो हम पहले किसी भी एक फेस को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सारे के सारे फेस को सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक फेस को जा करके इसके ऊपर क्लिक करना होगा। शिफ्ट को होल्ड कर सकते हैं हम, और उसके बाद सारे फेसेस पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होगा। एक शॉर्टकट ये है कि आप सिमिलर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें। तो आप ऊपर यहाँ सेलेक्ट बटन जो है इसके ऊपर क्लिक करें और सेलेक्ट सिमिलर में आ जाइए। यहाँ आपको डिफरेंट मेन्यू मिलते हैं, तो मैं क्लिक कर रहा हूँ को प्लेनर में। इससे क्या होगा, एक ही प्लेन में जितने भी फेस हैं वो सारे के सारे एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। तो अब मैं इन्हें कर लेता हूँ डिज़ोल्व, यानी मैं इन्हें मर्ज करके एक फेस में कन्वर्ट कर देना चाहता हूँ। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, और उसके बाद यहाँ ऑप्शन है डिज़ोल्व फेसेस का, इसके ऊपर क्लिक करिए। अब आप देख सकते हैं कि जितने भी डिफरेंट फेसेस थे वो सभी मर्ज होकर डिज़ोल्व हो गए केवल एक फेस में। ओके, अब हम अपने चेयर के बैक सपोर्ट को भी बना लेते हैं। तो इसके लिए हम पिछले बार की तरह अपने टॉप वाले फेस को सब डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इस बार हम एक लूप कट फॉर्म करेंगे। तो लूप कट फॉर्म करने के लिए अपने कीबोर्ड में प्रेस करिए कंट्रोल, उसे होल्ड करके रखिए और आर प्रेस करिए। अब आप टॉप वाले फेस के किसी भी एज के पास अपने कर्सर को अगर ले जाएंगे तो ये येलो कलर का लाइन जो है आपको नज़र आएगा। तो मैं नीचे वाले एज के पास अपने कर्सर को ले जाता हूँ। ये येलो लाइन जब नज़र आ रहा है उस वक्त मैं क्लिक कर देता हूँ। जिस किसी भी तरफ मैं अपने कर्सर को ले जा रहा हूँ, ये ऑरेंज लाइन उस कर्सर को फॉलो कर रहा है। तो हम इसे थोड़ा राइट साइड ले आते हैं, और यहाँ लाकर मैं इसे अब मैं क्लिक कर दूंगा। अब एक्चुअली हुआ क्या, हमारा ये फेस जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, पहला ये पार्ट और दूसरा ये पार्ट। तो हम अपने पतले वाले पार्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं साइड व्यू में। तो मैं अपने कीबोर्ड के नम पैड में प्रेस कर रहा हूँ 3। अच्छा, एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जिस दौरान आप फ्रंट व्यू, साइड व्यू या टॉप व्यू में जा रहे हैं, हो सकता है कि आपका ऑब्जेक्ट आपको दिख ना रहा हो, वो साइड में कहीं हो, आप उसे ठीक से देख ना पाओ। तो आप ये कर सकते हैं कि आप कीबोर्ड के नम पैड में जो डॉट है या फुल स्टॉप है या पीरियड है, जो कुछ भी आप बोलते हैं, उसे अगर आप प्रेस करेंगे तो आपका सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट जो है वो आपके व्यू में आ जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं कि मेरा ऊपर वाला पतला वाला फेस जो है वो सेलेक्टेड है। तो मैं फिर से 3 प्रेस कर रहा हूँ ताकि फ्रंट व्यू में ही रहूँ, और हम इसे कर लेंगे थोड़ा सा रोटेट। तो मैं अपने कीबोर्ड में प्रेस कर रहा हूँ आर टू रोटेट, और इसके बाद हम इसे राइट साइड थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर लेंगे। ओके, क्यों वो अभी आपको पता चल जाएगा। तो हम इसे थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं, और उसके बाद मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये एज है वो स्लाइटली राइट साइड ऐसे रोटेट हो चुका है। फिर से मैं 3 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जा रहा हूँ, और अब हम इसे करेंगे एक्सट्रूड। तो मैं अपने कीबोर्ड में प्रेस कर रहा हूँ ई टू एक्सट्रूड, और अब हम इसे एक्सट्रूड करेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा फेस जो है वो एक्सट्रूड तो हो रहा है, लेकिन हमें थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रूड करना है, क्योंकि चेयर का जो बैक सपोर्ट होता है वो इतना छोटा तो होता नहीं जितना फ़िलहाल है। तो हमें इसे ज़्यादा बढ़ाना है, पर हम इसे कितना बढ़ा रहे हैं वो हम देख नहीं पा रहे हैं। तो फ़िलहाल मैं क्या करूँगा कि इसे बस इतनी दूर तक ही एक्सट्रूड करके क्लिक कर दूँगा। अब हम थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि टॉप वाला फेस जो है वही सेलेक्टेड है। तो फिर से फ्रंट व्यू में आ जाइए। तो मैं अपने कीबोर्ड में प्रेस कर लेता हूँ जी, और उससे इसे थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, लगभग चेयर के बैक सपोर्ट जितना, इतना। तो अब मुझे लगता है कि हमारा बेसिक चेयर बनकर रेडी हो गया। तो चलिए इसे देख लेते हैं पर्सपेक्टिव व्यू में। ये रहा हमारा चेयर। इसमें अब हम थोड़ा डिज़ाइन ऐड कर लेते हैं। तो मैं अपने कीबोर्ड में प्रेस कर रहा हूँ आई टू इंसर्ट, और उसके बाद अपने कर्सर को आप थोड़ा हिलाइए इस तरह से, थोड़ा इसे अंदर की ओर इंसर्ट कर लीजिए और उसके बाद क्लिक करिए। अब हम इसे करेंगे एक्सट्रूड, तो ई प्रेस करिए और एक्सट्रूड करिए इसे। हम इसे थोड़ा अंदर की ओर पुश करेंगे, लेकिन ज़रा सा ही, ज़्यादा नहीं। जब आप ऐसे एक्सट्रूड कर रहे हैं तो अपने मोशन को स्मूथ करने के लिए आप अपने कीबोर्ड में शिफ्ट प्रेस करके रख सकते हैं, तब मोशन जो है वो थोड़ा स्मूथ होगा, तो आप बिल्कुल सटीक तरीके से अपने मूवमेंट कर पाएंगे। अभी क्लिक करिए, फिर से मैं प्रेस कर रहा हूँ आई टू इंसर्ट, और थोड़ा फिर से इंसर्ट कर लेते हैं इस तरह, और हम फिर से करते हैं एक्सट्रूड, थोड़ा सा और अंदर पुश कर लेते हैं इसे। फिर से हम प्रेस करते हैं आई इंसर्ट, लगभग इतना इंसर्ट इसे कर लेते हैं, और इस बार हम इसे एक्सट्रूड करेंगे पीछे की ओर थोड़ा ज़्यादा दूर, ताकि ये पीछे से ऐसे निकल कर दिखाई दे हमें, और क्लिक कर देंगे। अब हम पीछे आएंगे चेयर के पीछे, और इस पीछे वाले फेस को भी हम इंसर्ट कर लेंगे। तो मैं प्रेस कर रहा हूँ आई, और इसे हम उतना इंसर्ट करेंगे जितना बड़ा ये बॉक्स है, ओके, लगभग इतना, और यहाँ पर लाकर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब हम इस बाहर निकले हुए बॉक्स को डिलीट करेंगे। तो इसे डिलीट करने के लिए चलिए 3 प्रेस करके हम आ जाते हैं साइड व्यू में। अब अगर इसे हम डिलीट करना चाहें तो इन कॉर्नर्स के हम वर्टेक्स को डिलीट कर सकते हैं। तो मैं 1 प्रेस करके वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में आ जाता हूँ और इन वर्टेक्स को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेकिन आप एक चीज़ देखेंगे कि आगे वाले वर्टेक्स सेलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन ये पीछे वाले वर्टेक्स सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो 3 प्रेस करके मैं फिर से साइड व्यू में आ जाता हूँ। अगर आप पीछे वाले वर्टेक्स को भी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा वायरफ्रेम मोड में। आप वायरफ्रेम मोड में आने के लिए अपने कीबोर्ड में प्रेस करिए Shift+Z। अब अगर हम सेलेक्ट करें इन दोनों वर्टिसेस को तो पीछे के वर्टेक्स भी सेलेक्ट होंगे। हम इन वर्टेक्स को डिलीट कर लेते हैं, तो मैं अपने कीबोर्ड में प्रेस कर रहा हूँ X वर्टिसेस। अब ये वर्टेक्स डिलीट हो चुके हैं, तो मैं फिर से Shift+Z प्रेस कर रहा हूँ सॉलिड मोड में वापस आने के लिए। तो बाहर निकला हुआ बॉक्स जो है वो डिलीट हो चुका है। हम इस फेस को भी डिलीट कर देते हैं। मैं प्रेस कर रहा हूँ 3 और फेस सेलेक्ट मोड में आकर मैं इस बीच वाले फेस को भी डिलीट कर देता हूँ। तो राइट क्लिक करता हूँ मैं, उसके बाद फिर डिलीट फेस। तो हमारे चेयर के बैक सपोर्ट में ये होल बन चुका है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ ये जो एज आपको नज़र आ रहा है ये एज और ये एज, इन दोनों के बीच में कोई फेस नहीं है। तो फेस देने के लिए हम बाहर वाले एज के पूरे लूप को सेलेक्ट करेंगे। तो आप अपने कीबोर्ड में प्रेस करिए Alt और उसे होल्ड करके रखिए और फिर किसी भी एज पर क्लिक करिए, तो इससे पूरा का पूरा एज लूप सेलेक्ट हो जाएगा। तो हम आगे वाले एज लूप को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप अपने कीबोर्ड में Alt प्रेस करके रखिए और Shift भी प्रेस करके रखिए, क्योंकि हमें दोनों लूप्स को एक साथ सेलेक्ट करना है, और फिर आगे वाले एज में क्लिक करिए। तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों ही एज लूप सेलेक्ट हो चुके हैं। अब हम इन दोनों को ब्रिज कर देंगे। तो ब्रिज करने के लिए आप अपने कीबोर्ड में प्रेस करिए F3, ये शॉर्टकट मेन्यू क्रिएट होगा। यहाँ हम सर्च कर लेते हैं ब्रिज, BRIDGE, ब्रिज। इस ब्रिज एज लूप वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेते हैं। अब हम देख सकते हैं कि दोनों एज लूप के बीच में एक फेस क्रिएट हो चुका है। ओके, तो हमारा चेयर बनकर रेडी है। आई होप कि इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा मॉडलिंग के बारे में। अगले वीडियो में हम बनाएंगे एक टेबल, और हो सके तो एक कप और प्लेट भी अगले वीडियो में ही हम बनाएंगे अगर टाइम बचा। सो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेक्शन 2। अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। अगर आप नए हैं और ये ट्यूटोरियल्स आपको पसंद आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।